कांग्रेस को शिवसेना का साथ पसंद, लेकिन सावरकर नहीं, भारत रत्न देने की मांग पर कही ये बात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने वाले बयान ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। कांग्रेस शिवसेना के साथ तो शामिल है, लेकिन सावरकर के मुद्दे पर पार्टी बिल्कुल सफाई देती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। इसे लेकर सरकार में शामिल कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि सावित्रीबाई फुले और शाहू जी महाराज को भारत रत्न तो दिया जाना चाहिए। विनायक दामोदर को भारत रत्न देने की शिवसेना की मांग पर उन्होंने आपत्ति जताई है। उद्धव ने कहा कि आखिरकार सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं देना चाहिए। सावरकर को भारत रत्न देने के संबंध में दो बार केंद्र को चिट्ठी लिखी गई है। इसी चिट्ठी पर जवाब न देने पर सवाल उठाते हुए ठाकरे ने पूछा कि भारत रत्न देने का अधिकार प्रधानमंत्री और एक कमेटी के पास है, फिर भी भारत रत्न आज तक क्यों नहीं दिया गया। नई दिल्ली से परवीन श्री, राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क के लिए।